हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो आज बनाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए। तो मेरा हर वीडियो जो होता है वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो आज का वीडियो भी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए स्पेशली। तो कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती थी मैं। जैसे कि पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं बच्चों का स्टडी का लॉस ना हो, इस वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस भी लगानी होती है। बट उसके साथ साथ हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बच्चे मोबाइल में क्या, कब और कहाँ क्या देख रहे हैं, वो चीज़ें सब हमने ही देखनी है। एज ए पेरेंट, एज ए बड़ों को, सबको हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, बच्चे आजकल जब स्टडी मोबाइल पे कर रहे हैं तो क्या होता है, तो अगर कुछ और सीखेंगे, बट वो कई बार क्या होता है कि सीखने के बजाय कई चीज़ों के इन्फ्लुएंस में बच्चे आ जाते हैं, कि वो बड़ों को वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए देखते हैं कि उनको वो लगता है कि हम भी वैसा करें। तो वो अभी छोटे हैं, तो छोटे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो, आप उनको अभी से अगर कंट्रोल करोगे वो चीज़ों को, तो वो आगे उन चीज़ों को लेके आपको परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी बेटर कुछ करें लाइफ में, तो लेकिन हम टोटली मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। आज का जो टाइम है बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन के रहने का टाइम है, उनके साथ बातें शेयर करने का टाइम है। हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चे अपनी बातें कई बार शेयर नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि उनके साथ जितना हो सके, अभी तो हम लोग आउटडोर भी जा सकते हैं, तो आप उनको आउटडोर लेके जाइए, वहाँ जाके उन एक्टिविटीज़ करवाइए। ज़रूरी नहीं बच्चा सारा दिन मोबाइल, वो आपकी वेट करे कि आप आओगे और आप उसको लेके जाओगे, आप मम्मा फ्री होंगे तो उसको अपने साथ लेके जाएंगे पार्क में, कहीं बाहर घूमने। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उनके माइंड को फ्रेश करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो पूरा टोटली मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, कि मोबाइल के अंदर ही उनको अपनी दुनिया नजर आने लग जाए। आजकल हम बहुत सारे केसेस ऐसे सुन रहे हैं कि बच्चे आफ्टर स्टडी गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं और उनके ऊपर मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं माँ बाप के बिना पूछे। आप लोगों को भी पता ही होगा, आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी। तो प्लीज़ अभी से हम लोग इन चीज़ों को अगर कंट्रोल में कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। किसी टाइम हमें अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा चलो छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम इसको कंटिन्यू करो। तो वो अभी थोड़ा सा टाइम दे रहा है, उसके बाद बहुत सारा टाइम देगा, तो फिर हमें ऐसा लगता है, फिर हम उसको कहते हैं कि मना करते हैं कि बेटा नहीं, ज़्यादा टाइम मोबाइल पे नहीं रहना। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें, हम शुरू से ही बच्चे को आदत डालें कि उसको कब और कितना मोबाइल हमने देना है। थोड़ा सा टाइम और है, उसके बाद बच्चों का स्कूल ऑन हो जाएगा तो वापस से कंटिन्यू वही स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम आपके पास बच्चे को बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बताने का। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में भी बताइए। मुझे नहीं लगता कि आजकल बच्चों को इतना भी पता होगा कि उनके दादाजी के पीछे दादाजी का क्या नाम था, या हम लोग किस रिलीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग क्या, हमें क्या करना चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है बच्चों को। उनको आप आज का सॉन्ग, आज की मूवीज, आप आज का कोई भी गेम जो उनका फेवरेट है उसके बारे में आप पूछोगे, वो बेझिझक आपको बताएंगे। लेकिन अपने कल्चर के बारे में, अपने जो बैकग्राउंड है उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों को थोड़ा सा टाइम देके इन चीज़ों के बारे में बताइए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज़ें बता पाए। ये ना हो कि हम अपने कल्चर को छोड़ के एक वो दौड़ में लग जाएं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, हमें सोसाइटी के साथ चलना चाहिए, लेकिन इतना भी हमें उसमें मिक्सअप नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अभी एक टाइम है जब बच्चे पूरा टाइम आपके साथ हैं, आप बच्चों के साथ हैं, तो आप अपना वो कॉन्सेंट्रेशन आप बच्चों के साथ पूरी तरह दे पा रहे हैं, आप बच्चों को समझ पा रहे हैं। पहले आप सिर्फ स्कूल से बच्चे आते थे, घर आए, वर्क करवाया, दैट्स इट। लेकिन अब आप पूरा टाइम बच्चों को समझ सकते हो कि वो उनका स्टडी लेवल क्या है, उनका नॉलेज कितना है, हर चीज़ आपको पता है। तो आप उस नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, इस टाइम के अंदर कुछ म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ डांसिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, योगा कर रहे हैं, म्यूजिक क्लासेस, है ना, बहुत कुछ है।
आप उनका ध्यान बस मोबाइल से थोड़ा सा दूर कीजिए, क्लास के बाद उनको मोबाइल उतना ही दीजिए जितना जरूरी हो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए, है ना। आप अपने हम कंफर्ट के लिए कि हम काम कर रहे हैं तो चलो बच्चे अपना मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो एक टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं। उनकी आई साइट पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके सुनने की शक्ति पे असर पड़ेगा, है ना, उनका सुनना कम हो सकता है। तो अभी से प्लीज आप लोग इस चीज पे ध्यान रखना। मेरा बस एक ही कंसर्न है कि आप लोग प्लीज बच्चों को अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री के बारे में भी बताइए। सिर्फ डांस वीडियोस या फिर ब्यूटी वो ऐप डाउनलोड करने के बाद क्लिक करना और इन चीज़ों के ऊपर भी सिर्फ बच्चे कॉन्सेंट्रेट ना करें और बाकी चीज़ों के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें। वो आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग और किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो। हम लोग बच्चों के रिगार्डिंग मोस्टली बात करते हैं, तो आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चन हो या आप लोगों का कुछ भी क्वायरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो प्लीज़। तो बहुत टाइम बाद मैंने आज वीडियो बनाया और बहुत सारी बातें मुझे और करनी थी, बट अभी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर किसी को कुछ भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच।